आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएसएक्स इस डेटाबेस, और जैसे कि हम क्यूरी पढ़ रहे थे, लेकिन अभी आपका एक क्वेश्चन है कि आप किसी नेम में से एक पर्टिकुलर नाम को सेपरेट करना चाहते हैं, चलिए हम इसको करते हैं। तो राइट क्लिक किया, डिजाइन पे गए और टीम मेंबर है, इसी के बगल में एक नया रो इंसर्ट करते हैं और इसका नाम देते हैं टीएल, और यहां पे हम देते हैं कैलकुलेटेड, ठीक है। अब हम यहां फंक्शन में आते हैं, बिल्ड फंक्शन में आते हैं, टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट में आपका इन एस टी आर दिख रहा है सर आपको? हेलो, हाँ जी दिख रहा। तो इन एस टी आर फॉर्मूला फाइन फॉर्मूला होता है, स्टार्ट कहां से स्टार्ट करना है, किसमें करना है, तो हमको करना है किसमें, टीम में, तो मैंने यहाँ पे टीम ले लिया, और क्या मैच करना है तो हमने बोला स्पेस, ठीक है, हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेकिन ये सिर्फ नंबर देगा मुझे, इसके बिहाफ पे इसमें से टीम में से डेटा उठाना है ना, राइट से, तो हमने आर आई जी एच राइट दे दिया और हमने बोला कि किसमें से, तो टीम में से क्या अलग करना है, तो हमने बोला लेन, लेन में भी हमने दिया टीम और हमने सिलेक्ट किया माइनस, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते। राइट होगा टीम में से क्या क्या अलग करना है, तो इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस आपका इन एस टी आर का रिजल्ट, ठीक हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है सर। क्यूरी बिजार, जिसमें हमने सिंपल क्यूरी, जिसमें हमने क्रॉस टैब क्यूरी, फाइन डुप्लीकेट। सर आपकी आवाज इको, आपकी आवाज म्यूट कर दीजिए। हमने चार चीजें डिस्कस की थी, जो प्री डिफाइंड था हमें बस ओके करके लगाना था, जैसे कि हमने सिंपल क्वेरी पे लिया और हमने लगा दिया था, हमने बताया था कि इस तरह से हम करते हैं। तो आप एक चीज और जान लें कि हम क्वेरी सिर्फ क्वेरी पे नहीं, डेटा पे नहीं, हम क्वेरी के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो क्वेरी टेबल के ऊपर भी लगती है और क्वेरी क्वेरी के ऊपर भी लगती है। अब बात करते हैं डिजाइन क्वेरी का क्या इस्तेमाल है। डिजाइन क्वेरी का इस्तेमाल होता है कि आप अपने हिसाब, क्योंकि इसमें क्यूरी में देखेंगे तो अपनी बहुत सारी चीजें थी, चार चीजें थी, लेकिन आपको अपने हिसाब से क्यूरी लगानी है उस क्लास में लगा सकते हैं। और क्यूरी समझिए कितने तरह का होता है, तो क्यूरी बेसिकली चार तरह का क्यूरी होता है, स्लैप क्यूरी, अपेंड क्यूरी, अपडेट क्यूरी एंड डिलीट क्यूरी, ठीक है ना। तो अगर एसक्यूएल सर्वर में आएंगे तो एसक्यूएल में क्या होता है, स्लैप क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी, अपडेट क्यूरी एंड डिलीट क्यूरी। जो अपेंड क्यूरी है वो आपका इंसर्ट क्यूरी होता है, राइट। क्रॉस टैब तो आप जान ही चुके हैं, वो बाहर जो पढ़ा दिया था वही सेम यहां भी है। और मेक ए टेबल, तो मेक ए टेबल जो होता है वो क्या करता है कि आपका जब क्यूरी पे क्लिक करते हो तो डेटा क्यूरी फॉर्म में देता है, आप उसको टेबल बनाना चाहते हो, मतलब कि कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हो, कॉपी पेस्ट करके नया टेबल में आ जाए, तो मेक ए टेबल फॉर्म होता है। इन सब हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बता दिया। फिर इसमें आपका यूनियन होता है, एक होता है आपका यूनियन टेबल, क्या होता है यूनियन टेबल होता है, जैसे कि दो टेबल है उसमें कौन कौन से मैच हो रहा है, दैट कॉल यूनियन। इन सबों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सिंपल सिलेक्ट क्यूरी। अब जैसे कि मेरे पास डेटा है, मुझे इसमें का सारा डेटा चाहिए, बात टीम ए का डेटा चाहिए,
ओके क्योंकि हम अपने सिंपल क्यूरी पे सिंपल क्वेरी विजार्ड पे हम कंडीशन नहीं लगा पाए थे और यहाँ कंडीशंस है कि आई वांट टू ऑल टेबल बट कंडीशन इज ओनली फॉर टीम ए तो यहाँ पे स्टार स्टार का मतलब हुआ कि ऑल डेटा एवरी फील्ड और यहाँ पे कंडीशन किस पे लगाना था टीम पे क्या कंडीशन है तो हमने बोल दिया ए और हम इस क्यूरी को और जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे एक मिनट इस पे टीएम पे करना था ना टीम ए एबीसीडी दूसरी पे है ना टीम ए टीम बी एक आगे ठीक है सर अनी जी समझ में आया अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो क्यूरी वन तो फिक्स हो गया हमारा कि जब भी हम इसको रन करेंगे वो सिर्फ ए का ही दिखाएगा मैं चाहता हूं कि मैं डिसाइड करूं कि ए बी सी डी क्या करना है तो हमें क्यूरी में जाके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा लेकिन मैं एट द रन टाइम चाहता हूं क्योंकि क्यूरी को हर कोई एडिट नहीं कर सकता तो वीवीएल आता तो हम इनपुट बॉक्स लेते यहां में कैसे इनपुट बॉक्स ले वो एक तो एंटर करके पता पैरामीटर क्वेरी नहीं नहीं यहां पे हम इनवर्टेड कॉमा में लिख देंगे बड़े इसमें देखिए इस तरह से कोई पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है रीच एंटर तीन ठीक है बस ध्यान रखिएगा इस नाम जो यहाँ पे देना चाहते हैं उस नाम का फील्ड नाम हो ये बोलता है यहाँ बोलता है फील्ड देने के लिए बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया इसका मतलब कि फील्ड हो गया अब इस नाम का फील्ड उसको नहीं मिलेगा तो वो इनपुट बॉक्स दे देगा मैं यहाँ पे देता हूँ बी तो मुझे टीम बी का एक डाउट इसमें नहीं सर लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको थ्रू करूं किससे फॉर्म से मैं एक डिजाइन फॉर्म लेता हूं नहीं उससे पहले मैं क्रॉस टेड क्यूरी मैं यहां पे एक क्रॉस टेड क्यूरी बनाता हूं क्रॉस टेड टेबल और हमने बोला भाई इसका टीएम ए बी सी डी यहां होना चाहिए ठीक है फिर नेक्स्ट हेडिंग चाहिए जल्दी नहीं है आईडी आ गया माफ कीजिए आईडी आ गया रीजन नहीं है क्रॉस टेक क्यूरी से बनाया ताकि जो अल्फाबेट्स है वो हमारे लिंक्ड हो जाए किसके साथ डेटा के साथ वैसे मैनुअली भी लिख सकते हैं अब मैं एक फॉर्म डिजाइन करता हूं यहां से मैं यहां से क्रिएट पे जाता हूं और जाता हूं डिजाइन फॉर्म और डिजाइन फॉर्म में फॉर्मेट पे जाके में जाके यहां हमारे पास एक लिस्ट बॉक्स है यहां ये लिस्ट बॉक्स है इसको हम ड्रैग करते हैं और यहां पे नेक्स्ट क्यूरी क्यूरी में हमने बोला फाइंड क्रॉस क्रॉस टाइप क्यूरी वन नेक्स्ट इसका यही चाहिए टीएम चाहिए ना नेक्स्ट विजरी आ गया एंड फिनिश और यहां जहां टीएम लिखा हुआ है उसके जगह देता हूं
मैं चाहता हूं कि जब मैं तो इस पे क्लिक करूं, इसका नाम मैं दे देता हूं कॉम्बो वन, नहीं कॉम्बो वन की जगह पे दे देता हूं टीएम, ताकि वहां पे ढूंढने में अच्छा रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको सिलेक्ट करूं और मैं लिखूं गेट डेटा, सिलेक्ट करूं और यहां एक बटन बनाता हूं गेट डेटा और मेरा क्यूरी रन हो जाए। तो यहां से हम एक बटन देते हैं, जैसे बटन ड्रैग करेंगे मुझसे पूछेगा कमांड, तो हमने बोला अब मिसलेनियस रन क्यूरी, और कौन सा क्यूरी, तो हमारा क्यूरी वन, ठीक है ना। टेक्स्ट में हम लिख देते हैं गेट डेटा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्म, लेकिन मेरा क्यूरी के अंदर में यहाँ पे टीएम कर देता हूँ, इसका नाम में टीएम कर देता हूँ। इसका क्यूरी में कैसे करें, क्योंकि फॉर्म में अभी तक कुछ नहीं होगा, अभी मैं जैसे ही एबीसीडी लूंगा रन करूंगा मुझसे वापस पूछेगा, क्योंकि मेरा फॉर्म तो क्यूरी के साथ कनेक्ट है बट क्यूरी हमारा फॉर्म के साथ कनेक्ट नहीं है, समझ गए? तो उस केस में क्या, उस केस में यहाँ पे डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ दिखा हुआ ना एंटर, यहाँ जो लिखा हुआ है कंडीशंस में इसको डिलीट करूंगा, यहाँ बड़ी ब्रैकेट में लिखूंगा फॉर्म, फॉर्म्स कौन सा फॉर्म, टीएम, तो इसके अंदर कौन सा चाहिए, तो कमांड टू डिटेल्स टीएम, टीएम लेबल हमने टीएम, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब मेरा क्यूरी क्या हो गया कि डायरेक्ट रन नहीं होगा, समझ गया, तब भी रन होगा ये हमारा इससे होगा, आ गया। आगे चल के जब आपको मैं तो वीवीएन में बताऊंगा कि किस तरह से हम डिजाइन क्यूरी में जाएंगे और हम यहीं पे हम टेबल डिजाइन कर देंगे, यहीं पे अपना टेबल डिजाइन कर देंगे, तो रन करते हुए डेटा यही नीचे दिख जाए, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, समझ गया ना। तो वो वीवीए के थ्रू होगा, क्योंकि अभी जो है रन करेंगे तो रन अलग ही करेगा, ठीक है ना। और इसकी प्रॉपर्टी में, इसकी जो क्यूरी की प्रॉपर्टी है, इसमें आपका विजुअल लेस होना चाहिए, बैकग्राउंड अल्टरनेट स्पेस ग्लो फॉर्म डिस्प्ले वेन ऑलवेज, इसके फिर ये है, इसके इवेंट है डेटा, कोई है छोटा बोर्ड फॉर्म है, अगर मान लीजिए इसकी डिस्प्ले कर देते हैं इसमें, तो ये समझ में आ गया ना आपको सर? यस सर, आ गया। तो इस तरह से हम फॉर्म को लिंक कर सकते हैं और आगे हम बताएंगे, क्योंकि जब हम इसको गेट करेंगे ना सर, तो एक क्यूरी यहाँ रन नहीं होगा, क्यूरी की जो कमांड है वो कमांड वीवी के थ्रू रन करके डायरेक्ट यहाँ पे लाएंगे, समझ गए ना, क्योंकि इसमें आप जो है यहाँ पे देखिए क्या है फायदा, ये आपका वेब है, ये आपका वेब टेबल है, ये लेबल है, ये आपका सब फॉर्म है, ये आपका वेब फॉर्म होता है, तो ये आपका वेब फॉर्म है, हाइपरलिंक होता है, एक सब सब सीट कर गया था, एक यूज एक्टिव कंट्रोल में इसमें से भी ले सकते हैं कमांड, ये सब चीजें बताएंगे आपको, ठीक है। ओके, हम बैक टू क्यू,
थ्योरी में आपको यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे एक चीज, एक प्रॉब्लम और भी है। क्या प्रॉब्लम है? जब आपका क्यूरी रन होता है, जैसे मैंने टीम बी को यहाँ से रन करता हूँ, टीम सी को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका डेटा टीम सी दिख रहा है, लास्ट में आपको फील्ड जीरो दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे क्यूरी पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने, यहाँ पे विजुअल शो दिख रहा है ना, शो में हमने यहाँ पे इसको क्लिक कर रखा है। अब मैं इसको अनचेक कर दूंगा तब मेरा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आप कंडीशन वगैरह लगाते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपको शो करवाना है या शो नहीं करवाना, ठीक है सर? ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल कंडीशंस की। तो चलिए मल्टीपल कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ले लिया और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे अब मुझे सेल्स चाहिए, जो सेल्स हमें जैसे डेटा हमारे पास है, तो डेटा में सेल्स आएगा, राइट? सेल्स मुझे सेल चाहिए 50 से ऊपर और 30 से नीचे। तो मैंने यहाँ पे सेल्स में कंडीशन लगाया और यहाँ दिया ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, इस तरह से मोर देन वन कंडीशन लगा सकते हैं। आप तीसरा कंडीशन चाहिए तो एंड 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 करके तीसरा कंडीशन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे और चाहिए, मतलब तो और मतलब कि मैंने यहां पे रीजन दे दिया, और रीजन में हमने पहला हमने बोला कि मुझे चाहिए फ्लोरिडा का, यहाँ पे फ्लोरिडा कर दिया, और इसके नीचे आप जो है अंबाला चाहिए, कैलिफोर्निया चाहिए, तो कैलिफोर्निया ले लिया। और यहाँ हम यही भी और रख करके लिख सकते हैं, या फिर नीचे भी लिखेंगे तो यहाँ देखिए और है ना, तो और में ही जाए, ठीक है? रन कीजिए, ये आपका कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा का। इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर? इसमें एक चीज और, ये शॉर्ट, मान लीजिए मुझे शॉर्ट करना है किसी टेबल को, मैं चाहता हूँ कि मेरा शॉर्ट हो प्रोडक्ट के, इसकी टीम मेंबर के ऊपर, राइट? तो टीम मेंबर ले लिया, विजुअल हटा दिया और मैंने बोला कि भाई ए शॉर्ट हो जाए, असेंडिंग शॉर्ट हो जाए। तो आप बोलेंगे कि सर ए, आप यहाँ देखिए हो गया मेंबर रिकॉर्डिंग शॉर्ट, क्या हर एक नया फील्ड क्यों ले रहे हैं? तो एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ले रखा है डेटा ऑल, मैंने देखा कि मेरे पास फील्ड बहुत सारे हैं, अब मुझे अगर डेटा ऑल नहीं लेता तो मुझे एक एक फील्ड लेना पड़ता। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, क्रिएट और इसमें डिजाइन क्यूरी मैंने ले ली, अब मुझे इस पे ला करके आईडी टीम टीएम टीम मेंबर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दो बार आ गया, एक बार इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, सेल्स डेट रीजन लॉगिन आवर बढ़ गया। यहाँ पे आप, आपको एक नया फील्ड लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे कंडीशन दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पे टीम ए होना चाहिए, ठीक है? मैं यहीं पे करना चाहता हूँ कि मेरा जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग में सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है सर? ठीक
इस तरह से हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा करना पड़ेगा। तो अगर दो चार पांच दस फील्ड होते चलो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 40 50 60 70 फील्ड हो तो वहां पर दिक्कत होगा ना सर। तो उस दिक्कत से बचने के लिए इसका इस तरह की चीजें का इस्तेमाल, ठीक है। तो सर क्यूरी पे प्रैक्टिस कीजिए, तो हम बात करेंगे क्यूरी के अंदर कैलकुलेशंस की, ठीक है। कल हम क्यूरी के अंदर कैलकुलेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके बाय, ओके श्योर।